आलमी सतह पर पाकिस्तान ने भारत का चेहरा बेनकाब किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 5 अगस्त के गैर आइनी इकदाम के बाद मसला कश्मीर 3 बार यूएन में जेर बहस आया। भारतीय जबर से हुर्रियत तहरीक को मजीद तकवीत मिली। भारत में हिंदुत्वा नजरिए के तहत अकलीतों को दीवार से लगाया जा रहा है। भारतीय मीडिया भी अब जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। ब्रॉडशीट कमीशन का दफ्तर शरई अदालत में कायम करने का फैसला। रेड बीस के ऑफिसर तारिक महमूद बतौर रजिस्ट्रार खिदमात सर अंजाम देंगे। वजारत कानून इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन FIA अटॉर्नी जनरल ऑफिस से अफसरान के नाम तलब कर लिए। FIA से माली छानबीन के माहिर अफसरान, वजारत सेहत से आफताब हुसैन और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से अच्छी साख के 2 अफसरान के नाम भिजवाने की हिदायत। वजीर आजम की मशरूत इस्तीफे की पेशकश बेमायनी है। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि करप्शन और दौलत लूटने का फैसला अदालतों ने करना है। PDM के पास अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन है, इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होंगे। PDM सरबराह इजलास में अहम फैसले होंगे, अपनी हिकमत अमली खुद बनाकर तहरीक चलाएंगे। मुंतखब नुमाइंदों ने 70 साल में पार्लियामेंट की इज्जत नहीं की, इज्जत करते तो आवाम के मसाइल हल होते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन आर्डर से मुतलिक दरख्वास्त पर समाअत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा प्रोडक्शन का मसला सियासी है, पार्लियामेंट में हल करें, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली के पास मुद्दा लेकर जाए। लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली को बिछड़े 70 बरस बीत गए। चौधरी रहमत अली को न सिर्फ मुहिब्बे वतन सियासी रहनुमा बल्कि पहला पाकिस्तानी कहलाने का एजाज भी हासिल। पाकिस्तानियों के दिलों में जगह बनाने वाले चौधरी रहमत अली को आखिरी आरामगाह के लिए पाकिस्तान में 2 गज जगह भी न मिल सकी। क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ी खबर, शायकीन PSL 6 में स्टेडियम में आकर मैच देख सकेंगे। जराये के मुताबिक शायकीन को SOPs के तहत स्टेडियम आने की इजाज़त दी जाएगी। स्टेडियम्स में गुंजाइश के 25 से 30% तमाशाइयों के दाखिले की इजाज़त होगी। कवायद और ज़वाबित तय किए जा रहे हैं।